शुभोदयम प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में आपने जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें आपने विद्युत धारा का उसमें यह प्रभाव पड़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, ये सब कुछ आज सीखना है। प्रयास हमारा ये रहेगा, सारा इक्विपमेंट जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो सब कुछ आपके सामने ला कर रख दिया जाए, जिससे कि बहुत ही आसान हो, आपको लगे कि हमारे दैनिक जीवन का सब कुछ है, कंसेप्ट बहुत ही आसान होगा। इससे पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहें कि आपने जो पढ़ा था विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपने ये देखा था कि जब कभी करंट किसी वायर से पास करता है तो वह वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के इस प्रभाव को आपने नाम दिया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। सिंपल है, आप जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज देखते हैं जो घर में आप इस्तेमाल में लाते हैं, अगर कुछ देर तक उससे करंट पास कराया जाए तो वह गर्म हो जाता है। जब आप उसे जा करके छुएंगे तो लगता है कि वो कुछ तो गर्म हुआ है। तो वो हीट आया कहाँ से? तो वो हीट आया है करंट से। जब करंट पास आपने कराया तो करंट के पास होने के बाद वह डिवाइस गर्म हो गया, और इससे पहले भी गर्म होता था। ऐसा नहीं कि पहली बार करंट पास हुआ गर्म हो गया तब ये पढ़ना पड़ रहा। जब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग नहीं करते थे उस समय भी गर्म होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर हीट में परिवर्तित होता था तो उसका हम लोग कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। बाद में साइंटिस्टों को लगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी फिजूल जा रहा है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तब जाकर के विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर जो भी डिवाइस बन सकते थे सबको बनाया गया। और अभी के टाइम में हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उपकरण पढ़ते हैं जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आपने विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम पढ़ा। जूल के नियम में आपने ये देखा कि जब कभी किसी वायर से करंट पास कराते हैं तो करंट पास होने के बाद इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। अब कितना उष्मा उत्पन्न होगा, उत्पन्न उष्मा को आप एच लिखते थे। कितना हीट मिलेगा इसके लिए आपने पढ़ा था, जो हीट मिलता है वह हीट एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसके बराबर होता है। जहां पर आई अमाउंट है करंट का, जो करंट आप इससे फ्लो करवाएंगे वो करंट है, और उसके बाद रेसिस्टेंस वायर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, वो तार का प्रतिरोध है, और जो आपने टाइम दिया जितना देर तक करंट पास कराएंगे उतना ज़्यादा हीट मिलेगा। आप देखते भी होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 सेकंड के लिए करंट पास कराया किसी डिवाइस से, 2 सेकंड के लिए, तो बहुत कम गर्म होगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसी डिवाइस से 2 घंटे तक करंट पास कराते रहें, उसका इस्तेमाल करते रहें, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो टाइम भी मैटर करता है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसके लिए आपने जूल्स लॉ पढ़ा था, जूल का नियम पढ़ा था, जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें आपने पढ़ा करंट, रेसिस्टेंस और टाइम, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता उत्पन्न होने वाला उष्मा, कितना हीट मिलेगा ये इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब करंट पास कराएंगे हीट मिलेगा, इस इफेक्ट का इस्तेमाल डेली लाइफ में देखना है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का जो उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं जिसका हम लोग दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करते हैं। उसी क्रम में एक उपयोग आपके सामने है अभी, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब और इनकैंडेसेंट लैंप। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब और ये इनकैंडेसेंट लैंप इसी के लिए यूज करते हैं। इसका हिंदी अगर बोलें शुद्ध हिंदी तो उत्ताप से चमकने वाला होता है। ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब ही है।
इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जब कभी भी करंट पास कराते, तो जैसे देखिए वायर, आप जब इसमें करंट करेंगे, पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने बैटरी कनेक्ट किया, इस तरह से इसे कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट किए तो यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, ऐसा करने से इसमें कौन सी पास किया, करंट पास किया, तो करंट के पास होने से यहाँ लगा हुआ फिलामेंट गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद तब वही लाइट प्रोड्यूस करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब के बनावट की बात करिएगा, फिर कहिएगा कि ये जब गर्म हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस वायर से भी तो करंट पास किया था, तो वायर से जब करंट पास किया तो वायर क्यों नहीं गर्म हो गया? जब ये गर्म हुआ, केवल फिलामेंट गर्म हुआ और जलने लगा बल्ब, तो यहां तार से जब करंट पास हुआ तो तार भी तो गर्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहां कारण यह है कि जो वायर है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, प्रतिरोध कम होता है, इस कारण से ये कम हीट प्रोड्यूस करता है। हीट यहां भी प्रोड्यूस होता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम होती, इस कारण से ये ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। जबकि इसके तुलना में जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, ये टंगस्टन फिलामेंट अपना प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रखता है, इसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस कारण से करंट के पास होने के बाद रेसिस्टेंस ज़्यादा होने से ज़्यादा हीट मिलता है, और जब ज़्यादा हीट मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ प्रकाश भी उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब बना हुआ है, उसको थोड़ा देख लें। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ये आप आउटर पार्ट देख रहे हैं, ये आउटर पार्ट, ये ग्लास बल्ब है, ये ग्लास का बना होता है, नाम भी है ग्लास बल्ब। ग्लास बल्ब से सारा मटेरियल कवर्ड होता है, इसके अंदर में टंगस्टन फिलामेंट, और टंगस्टन फिलामेंट के बाद ये अंदर का एरिया पूरा खाली होता है। इस खाली वाले एरिया में इनर्ट गैस भरा जाता है, अक्रिय गैस भरा जाता है, और इनर्ट गैस की बात करिएगा तो इनर्ट गैस में नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं, नाइट्रोजन भी रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन तो नहीं करता है। और नाइट्रोजन गैस के अलावा आप चाहे तो आर्गन भी यूज कर सकते हैं, आर्गन भी भर सकते हैं। तो यहाँ इनर्ट गैस, ये जो ग्लास बल्ब है, बल्ब के अंदर में इनर्ट गैस है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन होता है। ग्लास बल्ब के अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, जो आप यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है, तो लगभग 3300 केल्विन होता है। रेंज की बात करें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लगभग 3300 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, टंगस्टन फिलामेंट का। अब ये जब तक इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक ये पिघलेगा नहीं, हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, उतना हम लोग करंट उसको दे नहीं पाते हैं, उतना गर्म हो नहीं पाता, इसलिए जनरली वो पिघलता नहीं है। लाइट इससे जब करंट पास होता है तो ये हीट हो करके, करंट पास होने के बाद, हीट होने के बाद ये लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। सबसे बाहर का हिस्सा ये ग्लास बल्ब हो गया, अंदर में इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में नाइट्रोजन है और आर्गन है, और इसके अंदर में गैस भरा रहता है ये, जिस कारण से ये रिएक्शन नहीं करता और फिलामेंट ब्रेक नहीं होता। फिलामेंट ब्रेक भी हो सकता है, अगर आप ये बाहर का ग्लास बल्ब हटा दें तो फिलामेंट फिर रिएक्शन कर लेगा, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये फिलामेंट टूट जाएगा, और जैसे ये फिलामेंट टूटेगा तो टूटने के बाद सर्किट इनकम्प्लीट होगा, और जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा, जैसे मान लीजिए कि करंट ऐसे जा रहा था, अगर यहाँ पे हम ब्रेक कर दें इस चीज़ को, यहाँ ब्रेक कर दें तो करंट जाना बंद हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता, उसी तरह से फिलामेंट के टूटने के बाद, इसके टूटने के बाद सर्किट इनकम्प्लीट होगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, और जब तक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की जानकारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो इन्फॉर्मेशन था जूल के द्वारा दिया गया, इसके लिए उन्होंने लॉज भी बनाया। जो लॉ बनाया वो इससे पहले के क्लास में आपने स्टडी किया था। एक चीज और, टंगस्टन फिलामेंट 3300 केल्विन पर पिघल जाता है, लेकिन उतना टेम्परेचर हम लोग नहीं देते हैं, ये लगभग 2400 केल्विन, 2400 केल्विन लगभग इस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ये जलने लगता है, लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। तो अब देखिए टेम्परेचर गैप, 2400 केल्विन पर ये लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन जब इस टेम्परेचर पर पहुंचेगा तब ये पिघल जाएगा, तब ये ब्रेक हो जाएगा, और वो टेम्परेचर जनरली नहीं पहुंचता है, रेयर केस में पहुंचता है, जब हाई वोल्टेज पावर हाउस से सप्लाई होता है तब। इसमें ये टंगस्टन फिलामेंट तब टूटता है, आप जो देखते हैं बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के पीछे वही, या तो इस टेम्परेचर तक पहुंच गया फिलामेंट, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। कभी कभी तो गांव घर में लोग बोल भी देते हैं बल्ब उड़ गया, अरे बल्ब उड़ा नहीं, ऐसे उड़ता नहीं है, ये फ्यूज हो गया। और हाँ, जब ये फ्यूज होता है यहाँ पर, जब ये ब्रेक करता है, तो कभी कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के बाद, इसके ब्रेक होने के बाद ये ग्लास बल्ब भी फूट जाता, ये स्थिति भी उत्पन्न होती है। ऐसे भी और भी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के लिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसे। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के अगले एप्लीकेशन में, सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का जो दूसरा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत आयरन या इस्त्री बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन जिसका यूज करके हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं, जो रफ सरफेस होता है उसे स्मूथ बनाते हैं, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। विद्युत आयरन में जहाँ विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है, वह नाइक्रोम वायर, इसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है। आप जनरली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब करंट स्ट्रेट वायर से पास करेगा, जब सीधे तार से करंट पास होता है, तो वो कम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप वायर को क्वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब उसे मोर करके क्वाइल टाइप बना लेते हैं, तो वो स्ट्रेट वायर की तुलना में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा वो हीट होता है, और हम लोग इसी का फायदा उठाते हैं। जब वायर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट होने के बाद करंट वो तो पास कराएगा ही, लेकिन हीट कम मिलेगा। वायर अगर क्वाइल्ड फॉर्म में है तो करंट उससे जो पास करेगा उससे ज़्यादा हीट मिलेगा। मतलब जब स्ट्रेट वायर है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और जब वायर क्वाइल्ड हो जाएगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। अभी इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो वायर होता है नाइक्रोम होता है, अलॉय होता है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो मेनली दो मेटल का मिक्सचर है। मेन कंपोनेंट नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम है, मेन कंपोनेंट ये है। इसके अलावा कुछ आयरन की भी क्वांटिटी होती है, कुछ परसेंटेज मैंगनीज का भी होता है, लेकिन जो ह्यूज अमाउंट है 80% और 20% ऐसे, चूंकि ये मेन कंपोनेंट है इसलिए हम लोग इस वे में लेते हैं। वैसे अगर एलिमेंट मिलाकर बनाते भी हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है। दो एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, इस दोनों एलिमेंट के मिलने से एक नया मिश्र धातु मिलता है, एक नया अलॉय मिलता है, उस अलॉय का नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम नाम भी देख लीजिए, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना है। निकेल और क्रोमियम, शुरू वाला जिसका पार्ट देखिएगा निकेल है और बाद वाला क्रोम है, तो निकेल और क्रोमियम के मिलने से बनता है, इसलिए नाम रखा गया नाइक्रोम, जिसमें परसेंटेज निकेल का 80%, क्रोमियम का 20% है। अब यहाँ पर नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस, यहाँ जो यूज करते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में यूज करते हैं नाइक्रोम वायर, इसलिए इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। अंदर में प्लास्टिक के अंदर में खोल कर कभी देखिएगा तो वो इसी वे में बना रहता है, इस तरह से ये जैसे आयरन रहता है इसी वे में, यहाँ इस तरह से क्वाइल्ड वे में बना रहता है वायर जो नाइक्रोम का होता है। इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है इसलिए हीट होता है और हीट प्रोड्यूस करता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसकी तुलना में अगर मान लीजिए यहाँ कोर्ड वायर यूज करते हैं, जो कोर्ड यहाँ लगाते हैं, ये जो कोर्ड वायर है, इस वायर से करंट इसको मिलता है, ये वायर है स्ट्रेट वायर है जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जबकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है।
कोल्ड वायर यहां जनरली कॉपर यूज करता है, कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है, और कॉपर के कंपैरिजन में अगर नाइक्रोम की तुलना करिएगा तो कॉपर का 60 गुना रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कॉपर का रेसिस्टेंस कम और उसका 60 गुना रेसिस्टेंस ज्यादा होता है नाइक्रोम का। अब रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट ये तो कंज्यूम करेगा ही, हीट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने जूल्स लॉ में फॉर्मूला पढ़ा था, जो हीट मिलता है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो उसमें हीट ज्यादा मिलेगा, और वो चीज यहां दिख रहा है। इसका रेसिस्टेंस जो नाइक्रोम वायर इसमें लगाते हैं, यहाँ जो कोर्ड में जो वायर जिससे करंट सप्लाई इसमें होता है, इसके कंपैरिजन में 60 गुना ज्यादा है, तो हीटिंग इफेक्ट भी तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा ये जो नाइक्रोम वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है, लेकिन मात्र 800 डिग्री सी पर पहुंचने के बाद ये रेड हॉट हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है, और जब रेड हॉट होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ पर ये रेड हॉट होगा तो उसके बाद हीटिंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, और उसका इस्तेमाल हम लोग जो भी फंक्शन है इलेक्ट्रिक आयरन का, जो आयरन आप प्रेस करना चाहें कपड़ों में, ऐसे उसको अरेंज करना चाहें, जो भी सुविधा आप उठाना चाहते हैं कर सकते हैं। नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस हाई कितना गुना है, तो उसका 60 टाइम्स है, कॉपर के वायर का 60 गुना होता है, कॉपर की तुलना में 60 गुना ज्यादा होता है रेसिस्टेंस नाइक्रोम का। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 1400 डिग्री सेल्सियस, और ये 800 डिग्री सेल्सियस पे मात्र इतना टेम्परेचर पे 800 डिग्री सेल्सियस भी कम नहीं होता, मात्र नहीं बहुत ज्यादा है वो, उस टेम्परेचर पर यह क्या करता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है। ये सेकेंड एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक आयरन, जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहले के समय हम इलेक्ट्रिक आयरन नहीं हुआ करते थे तो कोयला वाला इस्त्री होता था, लोग उसमें क्या करते थे, लोहा का एक कंटेनर, उसमें कोयला डाल करके गर्म करते थे, आग जलाते थे, उसके बाद फिर उस हीट का इस्तेमाल करते थे कपड़ों को प्रेस करने में। कभी कभी तो लोग इमरजेंसी में लोटा में आग डाल करके वगैरह कर लेते थे, लोटा में आग डालते थे, वो पहले जो लोटा अभी भी मिलता है वो जो ब्रास का होता है, उसमें आग डालते तो फिर गर्म हो गया, वो भी मेटल है, और गर्म होने के बाद लोग किसी तरह से जैसे तैसे प्रेस कर लिया करते थे, लेकिन अभी सुविधा बहुत बेहतर है इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करके। और अभी तो इसमें जो हीट आपको चाहिए वो कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी रहती है, कि किस तरह से आप हीट को कंट्रोल करें, कब आपको ज़्यादा चाहिए, कब आपको कम चाहिए। जब ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हीट ले लीजिए, जब कम चाहिए तो कंट्रोल करके कम कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो इसके बाद हीटिंग इफेक्ट का जो अगला एप्लीकेशन है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का जो अगला उपयोग आप देखिए, उसमें इलेक्ट्रिक हीटर ठंड के मौसम में रूम गर्म करना हो, या बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया हो, सेकना हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत हीटर। और विद्युत हीटर में भी जो वायर यूज करते हैं रेसिस्टेंस वायर, वो नाइक्रोम वायर ही यूज करते हैं, जैसे कि करंट पास होता है, वायर गर्म होता है, क्वाइल्ड वायर गर्म होता है, और गर्म होने के बाद फिर हमें हीट देता है, और वो हीट रेडिएशन के फॉर्म में हमारे अगल बगल में तो रहता ही, और लगभग हवा को जब वो गर्म करता है तो रूम का भी वातावरण गर्म हो जाता है, जिसका इस्तेमाल जनरली हम लोग ठंड के मौसम में करते हैं रूम को गर्म करने के लिए। इसी क्रम में अगला एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है, उसमें है इलेक्ट्रिक ओवन। अभी के समय में शहरों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहले लकड़ी पे खाना बनता था, लकड़ी को जला करके फिर खाना पकाते थे, उसके बाद फिर एलपीजी गैस, अब और बेहतर टेक्नोलॉजी आया है, एलपीजी गैस भी फ्यूल के फॉर्म में तो यूज में आता ही है, लेकिन उसके बदले में अभी के समय में इलेक्ट्रिक ओवन का यूज करते हैं, जो पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करता है। कम से कम जहां हम लोग खाना पका रहे होते हैं वहां तो पॉल्यूशन कम होता है इलेक्ट्रिक हीटर, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम लोग कोयला से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहां तो पॉल्यूशन होता ही है। तो यहाँ पॉल्यूशन हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो उसमें एक एप्लीकेशन ये है इलेक्ट्रिक ओवन, विद्युत चूल्हा। इसमें भी करंट पास कराते हैं, करंट पास होने के बाद अंदर में लगा हुआ नाइक्रोम वायर
गर्म होता है और गर्म होने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है। इसमें आप समय समय पर कोई भी मटेरियल पका भी सकते हैं या फिर गर्म भी कर सकते हैं, बार बार उसे गर्म कर सकते हैं। अगला हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो है इमर्जन रॉड। इमर्जन रॉड या विसर्ग छरी, हिंदी में बोलेंगे तो विसर्जन छरी बोल सकते हैं, इमर्जन रॉड। ठंड के मौसम में पानी गर्म करके नहाने का इच्छा जो होता है, ठंड के समय में ठंडे पानी से लोग बचते रहते हैं, उस समय फिर इस इमर्जन रॉड का यूज करके पानी को गर्म करते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ये हिस्सा, ये वायर है जो रेसिस्टेंस वायर है, जहां करंट जाएगा तो फिर ये वायर गर्म होगा। ये वाला ऐसा कोर्ड है, इसमें भी वायर है, इसमें भी वायर है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम रेसिस्टेंस रखता है, इसलिए वो गर्म बहुत कम होता है, नहीं के बराबर गर्म होता है। और ये गर्म होता है, फिर इसको आप डायरेक्ट बाल्टी में डाल देते हैं तो फिर बाल्टी का पानी गर्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्लास्टिक का बाल्टी यूज करेंगे तो फिर हो सकता है पानी को गर्म करने के साथ साथ प्लास्टिक के बाल्टी को भी ये नुकसान पहुंचाए, और उसके बाद फिर गर्म पानी बहता हुआ नाला में चला जाएगा। तो इसका यूज करते थोड़ा इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, आप डालें तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करके फिर निकालें। कई बार होता है कि लोग पकड़े हैं, करंट सप्लाई हो रहा है, ये पकड़ लिए, सोच सकते हैं उसके बाद क्या स्थिति होगी, जबकि कितना टेम्परेचर पे ये रेड हॉट होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 37-38, ये टेम्परेचर होगा और इसका 800 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी के टाइम में और बेहतर टेक्नोलॉजी आया, जब लोग साधन संपन्न होते हैं तो अपने घरों में वॉशरूम में इस तरह का वाटर हीटर लगाते हैं जो गीजर नाम से है। गीजर मतलब गर्म पानी का झरना। और लोग घरों में अपने वॉशरूम में इस तरह का गीजर लगाते हैं, और ये गीजर भी इसमें एक इमर्जन रॉड इसमें भी रहता है जो पानी को गर्म करने का काम करता है, और ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट पे जो अगला डिवाइस है, अगला जो अपैरेटस है, जो उपकरण है, उसमें ओवन ट्विस्टर ग्रिलर है, OTG, ओवन ट्विस्टर ग्रिलर। ओवन चूल्हा हो गया, ट्विस्टर मतलब सेकने का काम करने वाला है, तो वो बिल्कुल आप देख सकते हो ओवन के जैसा है, उसी के प्रारूप का है। बार बार इसमें रखकर आप सेक सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, उस तरह का मटेरियल है तो पका भी सकते हैं। तो ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है, ओवन ट्विस्टर ग्रिलर, OTG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, हिंदी से परहेज नहीं है, पढ़ना जरूरी है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन जहां लगे कि वो हिंदी हमें परेशान करेगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ज़्यादातर इंग्लिश नाम से फेमस है, इसलिए आप भी प्रयास करिए वो इंग्लिश मगर याद रख सके नाम को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले डिवाइस को देखें तो इसके बाद जो अगला डिवाइस है वो है इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली। पानी गर्म करने के लिए या फिर चाय भी गर्म कर सकते हैं, इसमें जो भी गर्म करने वाला जो लिक्विड मटेरियल है उसे इसमें डाल करके गर्म किया जा सकता है। इसमें बस कुछ नहीं, आप यहाँ नीचे नाइक्रोम वायर का बेस होता है, उसके उसमें करंट पास हो रहा होता है, वो गर्म होता है, उसके ऊपर आप इसको डाल दीजिए और करंट सप्लाई कर दीजिए, फिर अंदर में पानी गर्म होता रहेगा, चाय रखिएगा तो चाय गर्म होगा, जो भी पेय पदार्थ जिसको आप गर्म करके पीना पसंद करते हैं वो इसमें डाल करके पी सकते हैं। इसके बाद अगला एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक ट्विस्टर है। अभी ब्रेड सबको सेकने के लिए कम समय में तुरंत ब्रेड को सेक करके तुरंत लोग जब फास्ट काम ज्यादा कर रहे होते हैं, खाने पीने का समय नहीं बच पाता है, तो जल्दी जल्दी में इस सब का उपाय करता है। ये ट्विस्टर है, ये भी आसानी से गर्म कर देता है ब्रेड और रोटी टाइप जो भी मटेरियल है उसे आसानी से गर्म कर देता है। इसमें भी हीट कंट्रोल के लिए अलग अलग स्विच रहते हैं, जितना टेम्परेचर पे आपको गर्म करना है उतना पे कर लीजिए। काहे कि जब आप चूल्हा पे सेक रहे होते हैं तो देख भी रहे होते हैं कि जला या अभी बाकी है, लेकिन यहाँ तो अंदर में अंदर जाएगा फिर गर्म होकर तुरंत बाहर आ जाएगा, तो टेम्परेचर पहले आपको सेट करके रखना होगा। ऐसा ना कि ज़्यादा टेम्परेचर पर सेट किए और वो
गर्म होने के लिए कम हीट का ही इस्तेमाल कर रहा है तो वो जाएगा जल के ही बाहर आएगा। तो ये सुविधा है, आसान होता है यूज करने में भी आसान होता है इलेक्ट्रिक ट्विस्टर। अगले एप्लीकेशन में कार्बन आर्क लाइट है, फिल्म प्रोजेक्टर। डेली लाइफ में भी प्रोजेक्टर यूज करते हैं लोग, कुछ भी प्रोजेक्ट करना होता क्लास में पढ़ाने के दौरान, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क है, वर्कर सबको कुछ समझाना है, तो वहां भी प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर का जब यूज करते हैं तो वहां भी करंट सप्लाई करता है और वहां भी वो हीट होता है। जब वो हीट होता है तो हीट होने के बाद तब बाहर लाइट प्रोड्यूस करता है। ये भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। पहले करंट पास कराइए, अंदर में जो वायर है वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद तब हीट तो प्रोड्यूस ये करता ही है, लेकिन यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करता है और वही लाइट जहाँ प्रोजेक्ट आपको करना है वहाँ प्रोजेक्ट करिए और प्रोजेक्ट होने के बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। इसी क्रम में आर्क लैंप भी है, आर्क वेल्डिंग भी है। आर्क लैंप और आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आप करते हुए देखते होंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के दौरान डोमेस्टिक सर्किट में होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, विद्युत फ्यूज कहते हैं इसे, विद्युत फ्यूज। और विद्युत फ्यूज को, इलेक्ट्रिक फ्यूज को प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कहा जाता, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्ट्रॉन्ग करंट से सेफ रखता है। जब कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर हाउस से स्ट्रॉन्ग करंट आता है तो उस स्ट्रॉन्ग करंट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में होने वाले नुकसान को, क्षति को, ये सेफ्टी फ्यूज या प्रोटेक्टिव डिवाइस, जिसको सुरक्षा फ्यूज भी कहा जाता है, ये इसे सुरक्षा फ्यूज भी कहते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेफ रखता है। सुरक्षा फ्यूज, प्रोटेक्टिव डिवाइस या इलेक्ट्रिक फ्यूज जनरली एक वायर होता है, ये एक वायर होता है, एक तार होता है। इस तार का जो रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के वायर का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, वह रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज में लगने वाले वायर के लिए, इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, ये लो होना चाहिए, बहुत ही लो टेम्परेचर पे पिघल जाना चाहिए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, अगर ये पिघल जाता है तो डोमेस्टिक सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए जितने भी इसके बाद के अप्लायंसेज होंगे, जो बाद के विद्युतीय उपकरण होंगे, वो सेफ बच जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा वायर जलेगा और उसके बाद का सारा डिवाइस सेफ बच जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप इसे बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। अब कैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है उसके लिए एक डायग्राम देख लीजिए। ये मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो विद्युतीय उपकरण डोमेस्टिक सर्किट में घरेलू परिपथ में लगा होता है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एलईडी बल्ब या अन्यान्य जो भी उपकरण आप लगा कर रखे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, वो सब अप्लायंसेज, उस सब को आप अप्लायंस मान लीजिए, अप्लायंस। अब यहां क्या करते हैं, इस सर्किट में एक फ्यूज लगाते हैं, यहां एक फ्यूज, और इसके बाद यहां एक स्विच लगा दीजिए जिससे कि ऑन ऑफ किया जा सके, सर्किट में करंट को कंट्रोल किया जा सके, जाने से रोका जा सके और फिर आवश्यकता के अनुसार जाने भी दिया जाए। और इसके बाद एक यहाँ सोर्स लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स,
ये सोर्स हो गया, स्रोत हो गया जहां से करंट मिलेगा। बैटरी भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटिंग करंट का भी सोर्स हो सकता है, यहां से करंट मिलेगा। और ये स्विच है, यहां स्विच लगा दिया। ये अप्लायंसेज है, विद्युतीय उपकरण है। अब जैसे ही आप यहां से करंट पास कराते हैं, जब यहां से करंट पास होगा तो करंट पास होने के बाद ये फ्यूज से जाएगा। फ्यूज वायर है ये, जो सर्किट में ही लगा होता है। करंट यहां से चलना शुरू किया, फ्यूज वायर यहां पे है। फ्यूज वायर से होते हुए ये भी तार होता है, जिसका आपने पहले से देखा रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब इससे करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो जो भी हमारा अप्लायंसेज होगा, उपकरण होगा, विद्युतीय उपकरण जो सर्किट में लगा होगा, वो सब ऑपरेट होगा, संचालित होगा, काम करेगा। जब यहां सर्किट में स्ट्रांग करंट पास करता है, बहुत ज्यादा करंट जब पास करता है, जितने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अप्लायंसेज को उतने करंट की जरूरत नहीं, फिर भी उतना करंट मिल रहा, उस कंडीशन में स्ट्रांग करंट के कारण ये वायर जो यहां पर फ्यूज वायर है ये पिघल जाता है। अब जैसे ही ये फ्यूज वायर पिघलेगा तो पिघलने के बाद सर्किट इनकम्प्लीट होगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक फ्यूज वायर, पतला सा वायर, इस वायर के पिघलने मात्र से सिर्फ ये डैमेज होगा, और इस के डैमेज होने के बाद का जितना भी अप्लायंसेज आप सर्किट में लगाइएगा, वो सब का सब अप्लायंसेज सेफ बच जाएगा। इसलिए इसका नाम सेफ्टी फ्यूज रखा गया, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो स्ट्रांग करंट से विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए जितने भी उपकरण हैं उनको सुरक्षित रखता है। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्यूज अवेलेबल हैं, और आवश्यकता के हिसाब से हम लोग जगह जगह अलग अलग सर्किट में अलग अलग फ्यूज का यूज भी करते हैं। इसमें से एक फ्यूज है, ये ग्लास फ्यूज है। इसमें ये मेटल बॉडी होता है, इधर मेटल बॉडी होता है। मान लीजिए सर्किट यहाँ आपका पावर सप्लाई इधर से जा रहा है, इसके आगे आपने अप्लायंसेज, जो अप्लायंसेज होगा, जो सर्किट में आप अप्लायंसेज लगाए वो सब लगाए हुए इसके आगे, अगर स्ट्रांग करंट पास करेगा तो इसमें अंदर में देखिए एक पतला सा वायर है ये, जैसे ही स्ट्रांग करंट पास करेगा तो इसके अंदर का ग्लास के अंदर में एक पतला सा वायर है, जैसे ही स्ट्रांग करंट पास करेगा तो ये वायर गल जाएगा। रेसिस्टेंस हाई है, करंट पास किया, हीटिंग इफेक्ट के कारण ये गर्म हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो फिर पिघल भी जाएगा, और जैसे ही ये पिघलेगा तो इधर करंट जाना बंद हो जाएगा, और हमारा जो भी डिवाइस होगा सब सुरक्षित रह जाएगा स्ट्रांग करंट से। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जैसे फ्यूज डैमेज होता है फिर नया फ्यूज लगा देते हैं। इसके बाद एक ये है किटकैट फ्यूज है। किटकैट फ्यूज में एक वायर होता है, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, इसमें एक वायर लगाते हैं, पतला सा वायर। ये किटकैट फ्यूज मार्केट में भी ज़्यादा अवेलेबल है, हम लोग मैक्सिमम इसका यूज करते हैं, छोटा छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें इसका यूज करते हैं। अगर स्ट्रांग करंट पास करेगा तो ये वायर जो यहाँ लगा कर रखे हैं, इसका रेसिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तुरंत पिघल जाएगा। जैसे ही ज़्यादा करंट पास करेगा तो पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, इसके आगे जो कुछ भी आप लगा कर रखेंगे सारा डिवाइस सेफ बचेगा। कभी कभी लोग, उनको लगता है कि बार बार हमारा फ्यूज जल जा रहा है, इस कारण से मूर्खता करते हैं कि यहाँ पर जो फ्यूज वायर लगाते हैं, फ्यूज वायर ऐसा लगा देते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, रेसिस्टेंस लो होता, उसके ऐसा करने से ये पिघलता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग करंट पास करता है लेकिन ये नहीं पिघलता, तो ये नहीं पिघलेगा तो आगे सबको चौपट कर देगा। इसलिए इसका जलना जरूरी है, इसका मेल्ट होना जरूरी है, इस कारण से आगे सब डिवाइस सेफ बच जाता है। इसी क्रम में एक और फ्यूज का टाइप है जो एचआरसी फ्यूज है। एचआरसी फ्यूज, जब सर्किट में हाई सेफ्टी की आवश्यकता होती है तब हम लोग इस फ्यूज का यूज करते हैं। जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करने की जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ा भी करंट अगर ज़्यादा पास करेगा तो वो सर्किट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ पर उसे सेफ बचाने के लिए
हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यूज करते हैं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये फ्यूज और बेहतर काम करता है, थोड़ा भी ज़्यादा करंट अगर जरूरत से ज़्यादा पास करेगा तो ये फ्यूज, इसके अंदर में एक पतला सा साइड से एक होल रहता है जिससे अंदर आप देख सकते हैं कि वायर गला है, पिघला है या नहीं, तो इसका भी यूज करते हैं। ये कुछ टाइप हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज का, जिसमें से एक ग्लास फ्यूज, ये ग्लास फ्यूज है, ये किटकैट फ्यूज है, किटकैट फ्यूज है, और ये हो गया एचआरसी फ्यूज, हाई रपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसका इस्तेमाल विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब आपकी बारी है। अभी जितना भी आपने एप्लीकेशन पढ़ा ये सब का सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। अगर आपको लगता है, वैसे बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ नहीं मेंशन कर पाए हैं, हम तो सिर्फ 11 एप्लीकेशन आपको दिखाएं हीटिंग इफेक्ट का। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं, अप्लायंसेज हैं जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको इसके बाद का कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी डिवाइस की जानकारी है जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हमें भी पता चलेगा। फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। एक चीज़ और, जो भी कल लाइव क्लास शुरू किया गया लेकिन टेक्निकल इशू कारण नहीं हो पाया, अभी तब तक हम करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप अपने सुविधा के हिसाब से। क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि हमारे पास सेलफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आप अपने सुविधा के हिसाब से, वो वीडियो रहेगा यूट्यूब पे रहेगा, आप अपने सुविधा के हिसाब से जब जो ठीक लगे उस समय आप अपना देख लें और नोट तैयार कर लें। वैसे हम प्रयास करेंगे जब आपका क्लास ऑफलाइन मोड में चलेगा तो उस समय आपको ये नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएँ, जो भी क्लास चल रहा है आप एक बार देख समझ लें, उसके बाद नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना, सब हम रेगुलर अब वीडियो डाल दिया करेंगे। आप जब तक ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होता तब तक जुड़े रहें और रेगुलर काम करते रहें।